हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों क्या आप लोग 40,000 रुपए में एक बढ़िया सा लैपटॉप ढूंढ रहे हो? तो दोस्तों अभी के टाइम में 40,000 रुपए में बढ़िया सा स्मार्टफोन मिलना मुश्किल है, तो लैपटॉप मिलना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल वाला काम है। बट दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर गया हूँ 5 अलग अलग कंपनियों के 5 बेस्ट लैपटॉप, 40,000 रुपए में सबसे बेहतरीन स्पेक्स आपको प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं इन 5 लैपटॉप्स के बारे में। अगर उससे पहले आप लोग चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे टेक वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ। आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 लैपटॉप्स अंडर 40,000 के बारे में। दोस्तों ये 40,000 का सेगमेंट है ना, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। किसी में आपको डिस्प्ले अच्छा मिलता है तो किसी में प्रोसेसर अच्छा मिलता है, तो ऐसे कंफ्यूजन के बीच में आप लोग के लिए बेस्ट लैपटॉप चुनना काफी ज्यादा मुश्किल वाला काम है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग सिर्फ 40,000 रुपए ही खर्च करना चाहते हो तो इन 5 लैपटॉप्स को एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों शुरुआत करते हैं एचपी से। तो एचपी का 15S लैपटॉप जो कि आता है यहाँ पे 15.6 इंच के IPS LCD पैनल के साथ, जिसकी पीक ब्राइटनेस 250 निट्स की है। और दोस्तों ये डिस्प्ले एक एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, जहाँ पे इसकी विजिबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी मिलती है। अगर बात करें इसमें प्रोसेसर के बारे में तो इसमें देखने को मिलता है इंटेल कोर i3 1215U, जिसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 4.4 गीगाहर्ट्ज की है। और दोस्तों यहाँ पे 10 MB की कैसे मेमोरी देखने को मिलती है। और दोस्तों ये प्रोसेसर 6 कोर्स का है, तो यहाँ पे दोस्तों परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और दोस्तों यहाँ पे इंटीग्रेटेड इंटेल USD GPU देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार की ग्राफिक्स की प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलने वाली है। अगर यहाँ पे पोर्ट्स के बारे में बात करूं तो 3 USB के पोर्ट देखने को मिलते हैं, HDMI पोर्ट देखने को मिलता है, हेडफोन जैक पोर्ट देखने को मिलता है, एसडी कार्ड पोर्ट देखने को मिलता है, मतलब जितनी भी जरूरत की पोर्ट्स हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और दोस्तों कीबोर्ड के बारे में बात करूं तो ये एक बैकलिट कीबोर्ड के साथ आता है, जहां पे इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है और काफी आप इजीली स्मूथ तरीके से टाइप इसमें कर सकते हो। और भी दोस्तों इसका ट्रैकपैड भी काफी अच्छा है, स्मूथ वर्क करता है। और भी दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे रैम के बारे में, तो इसमें 8 GB का DDR4 रैम देखने को मिलता है, जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हो 16 GB तक। और भी दोस्तों इसमें SSD 512 GB की देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बैटरी बैकअप के बारे में, तो कंपनी के अनुसार आपको यहाँ पे 7 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। बट दोस्तों इन रियल लाइफ यूजेस अगर आप करोगे तो आपको 4.5 से 5 घंटे तक का ही मैक्स बैटरी आपको मिलने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे वीडियो कॉलिंग के लिए आपको 720p का एक SD कैमरा भी देखने को मिलता है, जिसके जरिए आप लोग वीडियो कॉल या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस भी इससे कर सकते हो। और यहाँ पे विंडोज 11 का आपको सपोर्ट देखने को मिलता है, तो इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने वाली बात। और सेकंड नंबर पे चलते हैं, आप बात करते हैं यहाँ पे एसर के बारे में। तो दोस्तों एसर की तरफ से आने वाला एसर एस्पायर 3 थिन एंड लाइट लैपटॉप, जो कि आता है 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले के साथ, जहां पे ये डिस्प्ले भी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है और यहाँ पे इसकी पीक ब्राइटनेस 250 निट्स की है। तो यहाँ पे इसमें डिस्प्ले वाइज तो काफी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज भी काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल किया गया इंटेल कोर i5 12th जनरेशन वाला चिपसेट, जो कि बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल के देता है। और सो ये 10 कोर वाला CPU है, जहां पे 12 MB की कैशे मेमोरी आपको देखने को मिलती है। और सो यहाँ पे इंटेल आयरिस XE ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है, जहां पे इसकी ग्राफिक्स काफी ज्यादा तगड़ी आपको देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों अगर रैम रोम के बारे में बात करूं तो यहाँ पे 8 GB की रैम देखने को मिलती है, जिसको आप लोग 32 GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, और 512 GB की इसमें SSD देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे पोर्ट्स के बारे में, तो 3 यहाँ पे आपको USB पोर्ट्स, HDMI पोर्ट, SD कार्ड पोर्ट, यहाँ पे हेडफोन जैक पोर्ट, टाइप सी पोर्ट, यहाँ पे सारे जितने भी जरूरी पोर्ट्स हैं आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे बैकलिट कीबोर्ड है, तो आप लोग अंधेरे में भी इजीली टाइप कर सकते हो। और इसमें स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, जिससे आपको साउंड आउटपुट काफी तगड़ा इसमें देखने को मिलता है। और इसमें एक HD 720p का कैमरा देखने को मिलता है, जिससे आप इजीली वीडियो कॉल या वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बैटरी बैकअप के बारे में, तो यहाँ पे 45 वाट आवर का 3 सेल वाला बैटरी देखने को मिलता है, जहाँ पे कंपनी क्लेम करती है कि 9 घंटे का बैटरी बैकअप इसमें आपको देखने को मिलता है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप लोग को इजीली ये 5 से 5.5 घंटे का बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देता है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे तीसरे लैपटॉप के बारे में, वो है यहाँ पे Lenovo IdeaPad Slim 3, जो कि आता है 15.6 इंच के डिस्प्ले के साथ, जहाँ पे ये फुल HD डिस्प्ले है और यहाँ पे देखने को मिलता है आपको 300 निट्स की ब्राइटनेस, और ऊपर से ये डिस्प्ले एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, तो आप लोग को काफी अच्छी विजिबिलिटी मिलने वाली है। वहीं पे दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रोसेसर के बारे में, तो इस बार का प्रोसेसर इंटेल का नहीं होने वाला है। दोस्तों इसमें प्रोसेसर है AMD Ryzen 57520U, जिसकी मैक्स क्लॉक स्पीड 4.3 GHz की है, जो कि काफी ज्यादा स्मूथ है। और दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलता है AMD Radeon 610M का ग्राफिक्स कार्ड, जहां पे इसकी ग्राफिक्स आपको काफी अच्छी नजर आती है, कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको इसको यूज करते हुए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे रैम एंड रोम की, तो 8 GB की रैम आपको देखने को मिलती है और 512 GB का रोम देखने को मिलता है। यहाँ पे भी आप लोग इसको एक्सपेंड कर सकते हो। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बैटरी के बारे में, तो यहाँ पे 47 वॉट आवर का एक बैटरी है, जहां पे कंपनी क्लेम करती है कि ये बैटरी 11 घंटे चलेगी, बट अगर रियल लाइफ के बारे में बात करूं तो ये लगभग 6 से 6.5 घंटे का आपको बैटरी प्रोवाइड
प्रोवाइड करती है। और यहाँ पे दोस्तों आपको एक स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है जिसका आउटपुट काफी ज्यादा तगड़ा है। वहीं पे अगर पोर्ट्स के बारे में बात करूं, यहाँ पे आपको सारे पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे यूएसबी पोर्ट, एचडीएमआई पोर्ट, टाइप सी पोर्ट, हेडफोन जैक, सारे पोर्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये वेट में 1.6 किलोग्राम का है, तो आप लोग को ये ज्यादा भारी भी फील नहीं होने वाला है। अब जो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चौथे लैपटॉप के बारे में, वो है यहाँ पे Asus VivoBook 15, जो कि आता है 15.6 इंच के फुल एचडी प्लस डिस्प्ले के साथ, जिसकी पीक ब्राइटनेस 250 निट्स की है। और दोस्तों यहाँ पे ये एंटी ग्लेयर डिस्प्ले जो कि आता है 45% NTSC रेट के साथ, जहाँ पे इसका कलर्स आउटपुट काफी बेहतरीन है। अगर मैं बात करूं प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें लगाया गया इंटेल कोर i3-1215U का प्रोसेसर, जहाँ पे इसकी क्लॉक स्पीड 4.4 गीगाहर्ट्ज़ की है। वो भी दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके जीपीयू के बारे में, तो इसमें इंटीग्रेटेड जीपीयू देखने को मिलता है आपको, इंटेल कोर यूएसडी जीपीयू, जो कि काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल के देता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे रैम एंड रोम के बारे में, तो 8GB का रैम आपको देखने को मिलता है और 512GB का रोम देखने को मिलता है, जिसको आप आगे एक्सपेंड भी कर सकते हो। अगर मैं पोर्ट्स के बारे में बात करूं, तो 3 यूएसबी का पोर्ट, एक टाइप सी पोर्ट, एक एचडीएमआई पोर्ट, आपको सारे पोर्ट्स यहाँ पे देखने को मिलता है, चाहे हेडफोन जैक पोर्ट हो गया या फिर एसडी कार्ड पोर्ट हो गया, सारे जरूरी पोर्ट्स आपको देखने को मिलता है। एक बैकलिट कीबोर्ड है दोस्तों यहाँ पे, आप लोग अंधेरे में भी इसको इजीली यूज कर सकते हो, और बॉडी काफी ज्यादा बेहतरीन है। वहीं पे दोस्तों आपको एक कैमरा देखने को मिलता है, जो कि आता है फिजिकल शटर के साथ, जो कि आप लोग वीडियो कॉल में या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी यूज कर सकते हो। अगर मैं बात करूं बैटरी के बारे में, तो 45 वाट आवर की यहाँ पे बैटरी लगाई गई है, जिसका बैटरी बैकअप कंपनी के अनुसार तो 7-8 घंटे का है, बट ऐसा नहीं है, आपको इजिली यहाँ पे 4.5-5 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। अब जो बात करते हैं लास्ट लैपटॉप के बारे में, जो कि इस सीरीज का सबसे बेहतरीन लैपटॉप है, वो है MSI के तरफ से आने वाला MSI Modern 15। दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग गेमिंग करना चाहते हो 40,000 के अंडर में ना, तो ये इस लैपटॉप में पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 15.6 इंच का फुल एचडी आईपीएस पैनल देखने को मिलता है, जो कि आता है 45% NTSC रेट के साथ। और यहाँ पे ये एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, जहां पे आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी, चाहे आप इंडोर यूज करो चाहे आउटडोर यूज करो। वहीं पे दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रोसेसर के बारे में, तो दोस्तों इसमें यूज किया गया है इंटेल कोर i5-11 जनरेशन का चिपसेट, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड आपको इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है, जिसके जरिए आप स्मूथली इसमें गेमिंग कर सकते हो। अगर मैं बात करूं रैम एंड रोम के बारे में, तो 16GB की DDR4 रैम देखने को मिलती है, जिसको आप एक्सपेंड नहीं कर सकते हो। वहीं पे दोस्तों 512GB की SSD देखने को मिलती है। और यहाँ पे पोर्ट्स के मामले में सारे जरूरी पोर्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वहीं दोस्तों अगर बैटरी बैकअप के बारे में बात करूं, तो 39 वाट आवर की इसमें बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 3 सेल वाली बैटरी है। और यहाँ पे आपको इजीली ये बैटरी बैकअप 3.5-4 घंटे का प्रोवाइड कर देता है। तो मैं आपको अगर बताऊं, MSI एक ऐसी कंपनी है जो जानी जाती है गेमिंग लैपटॉप बनाने के नाम से, तो दोस्तों यहाँ पे इस लैपटॉप में आप लोग गेमिंग कर सकते। आई होप कि दोस्तों आपको इन 5 लैपटॉप्स में से कोई ना कोई पसंद जरूर आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, ढेर सारा शेयर करना, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।